प्लेस में डॉक्टर्स लोग हैं और आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय में चर्चा करने वाले हैं जो कि है राष्ट्रीय पोषण माह 2024। तो हर साल सितंबर को राष्ट्रीय पोषण माह के तौर पर मनाया जाता है। ये इसका उद्देश्य है ताकि कुपोषण को समाप्त किया जाए और स्वास्थ्य लाइफस्टाइल को बढ़ाया जाए। तो हमारा पोषण के 5 सूत्र होते हैं। उनका पहला सूत्र है पहले सुनहरे 1000 दिन। तो इसमें क्या है, गर्भावस्था में होते हैं 270 दिन, पहला वर्ष 365 दिन और दूसरा वर्ष है 365 दिन, यह सब मिलाकर होते हैं प्रथम 1000 दिन। तो इसमें क्या होता है, पहले 1000 दिन में तेजी से बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास होता है। तो इस दौरान उचित स्वास्थ्य, पर्याप्त भोजन और प्यार भरा व तनाव मुक्त माहौल और सही देखभाल बच्चे के लिए पूरा विकास करने में मदद करती है। सभी उम्र के लोग, 6 महीने से बच्चे से लेके गर्भवती महिलाएं, किशोरी महिलाएं, सभी के लिए आवश्यक है। सबसे पहले गर्भवती महिलाएं अगर कुपोषित होंगी तो उनके बच्चे स्वस्थ होंगे, अगर वो कुपोषित होंगी तो उनके बच्चे भी कुपोषित और बीमार होंगे। इसीलिए गर्भावस्था में हमें अच्छा पोषण लेना चाहिए, जैसे हरे साग सब्जी, दूध, केला और जो भी आंगनबाड़ी केंद्र में खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराए जाते हैं उनको लेना चाहिए। इसके अलावा आयरन की गोली भी लेनी चाहिए। उसके बाद आता है धात्री महिलाएं, जो महिलाएं स्तनपान कराती हैं, वो स्तनपान कराती हैं तो अपने साथ साथ बच्चों को भी पोषित करती हैं। इसके लिए उनका स्वस्थ रहना और पोषित रहना बहुत ज़रूरी है। उनको भी हरी साग सब्जी, आयरन गोली, दूध, केला इत्यादि ले लाओ, चावल, दाल, घी, ये सब मसल के उसको खिलाएं, ये उसके लिए आवश्यक है। किशोरी महिलाओं को भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और उन्हें भी हरी साग सब्जी एवं आयरन और आयोडीन युक्त पोषण लेना चाहिए। अनीमिया का रोकथाम, अनीमिया का मतलब होता है शरीर में खून की कमी हो। बच्चे के विकास और उसके मानसिक और शारीरिक विकास के लिए बहुत जरूरी है कि अनीमिया से उसका बचाव किया जाए। इसके लिए जरूरी है कि आयरन युक्त आहार दें, जैसे कि दालें, हरी पत्तेदार सब्जियां, फल, दूध, दही, पनीर, पालक और यदि आप मांसाहारी हैं तो खाने में मांस, मछली, अंडा ये सब शामिल है। इसके साथ ही खाने में खट्टे फल जैसे कि नींबू, अमरूद, आंवला ये सब शामिल करें, क्योंकि ये सब हमारे शरीर में आयरन के अवशोषण को बढ़ाते हैं। आप ये दवाइयाँ दें, जैसे 6 महीने से 6 साल के बच्चों को आयरन फॉलिक एसिड का सिरप, 6 साल से 10 साल के बच्चों को गुलाबी आयरन फॉलिक एसिड की गोली, 10 साल से 19 साल के बच्चों को नीली की गोली और गर्भावस्था के 4वें महीने से लाल गोली आयरन फॉलिक एसिड की निर्धारित खुराक में जरूर दें। इसके अलावा पेट के कीड़े के नाश के लिए अल्बेंडाजोल की गोली, जो कि डॉक्टर द्वारा दी गई मात्रा में आप जरूर खाएं। ये सभी दवाएं आपको आंगनबाड़ी केंद्र में उपलब्ध हैं, आप वहाँ से इन्हें ले सकते हैं। चौथा सूत्र है डायरिया का प्रबंधन। डायरिया के रोकथाम के लिए बच्चों में जो माएँ स्तनपान कराती हैं, वो बच्चों का स्तनपान कराती हैं, तो माँ का दूध बहुत ही ज़रूरी होता है। दस्त होने पे घबराना नहीं है, बच्चों को दूध पिलाते रहना है। साथ में घर में साफ सफाई, बच्चों को साफ करना है, खाना पीना भी साफ करना है और पानी बहुत ज़रूरी होता है। अगर 6 माह से बड़े बच्चे हैं उन्हें साफ पानी मिलाएं, क्योंकि पानी बहुत ही महत्वपूर्ण कारण होता है डायरिया होने का।